कराटिया रुचु से दोस्तों कॉल आया है महानार से, यहाँ 40 किलोमीटर यहाँ पर रेस्ट करने के लिए। यहाँ पे सांप कै बजे से है? 8 बजे से यहाँ पे सांप है दोस्तों। देख सकते हैं लोग बहुत परेशान थे, जिन लोग पास मोबाइल नंबर नहीं था, अगर आप लोग पास मोबाइल नंबर नहीं है तो यूट्यूब पे जाकर पा लीजिए, वैशाली चाहे वैशाली के स्नेक दोस्तों मेरा नंबर यूट्यूब पे डाला रहता है। बिहार के कोई भी कोने में स्नेक रेस्क्यू करने के लिए दोस्तों बुला सकते हैं। क्यों कैमरा बनाया छट जाए आप लोग दरवाजा पर से आप लोग हल्ला नहीं करिए, आप लोग डरिएगा। देख सकते हैं दोस्तों इसी को नाक बोलते हैं दोस्तों और इसी को पेटाल बोलते हैं, इसको कहीं कहीं पे इस पर नजर आया भी आप लोग हल्ला नहीं करिएगा कोई आदमी, ठीक है? देख रहे दोस्तों ये सांप जो होता है इसके अंदर जोर तो दोस्तों टैक्सी जोर होता है। अगर ये सांप किसी को भी काट ले तो आधा से 45 मिनट में आदमी का मौत के घाट उतार सकता है। और इसी को नाक बोलते हैं दोस्तों और इसी को पेटार बोलते हैं, इसको कहीं कहीं पे इसको नजाना देवी बोलता है, कहीं कहीं पे इसको गौमन के नाम से जाना था दोस्तों। बिहार के तरफ ये गौमन के नाम से जाना था दोस्तों। देख सकते हैं खतरा महसूस होने पे किसी को बाइट करता है, ऐसे किसी को बाइट नहीं करता है। और देख सकते हैं ये सांप जो है दोस्तों घर के अंदर बहुत देर से सुबह 8 बजे से घुसा हुआ, लोग ये बहुत लोग परेशान थे और इन लोग के पास मोबाइल नहीं थे दोस्तों। मेरा नंबर इनको कोई आदमी दिया है तो हमको कॉल करके बोला है दोस्तों। देखते हैं अगर कहीं भी सांप निकले तो अगला प्रूफ पास मोबाइल नंबर नहीं है तो यूट्यूब पे जाकर पार लीजिए, वैशाली के दोस्तों चाहे बिहार के स्नेक दोस्तों मेरा नंबर यूट्यूब पे डाला रहता है दोस्तों। बिहार के कोई भी कोने में स्नेक रेस्क्यू करने के लिए आप हमको कॉल करके बुला सकते हैं और मेरे वीडियो को कॉल करके शेयर करिए। इससे क्या होगा कि इंसान को जानकारी होगा, कहीं भी सांप निकले तो उसको मारे नहीं क्योंकि सांप रहना पृथ्वी पर बहुत जरूरी है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों गांव देहात के आदमी लोग क्या काम करता है कि सांप को मार देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देख रहे हैं दोस्तों और ये सांप किसी को ऐसे जब तक हाथ पैर टच नहीं होता है, जब तक इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करिएगा तब तक ये बाइट नहीं करता दोस्तों। और हाथ पैर टच होता है तभी किसी को बाइट करता है, देखते हैं। देख रहे हैं और ये देखने में इतना खूबसूरत है दोस्तों, इतना ही खतरनाक भी है दोस्तों। देखते हैं और इसका जो है अभी ठंड के कारण जो है दोस्तों ये सांप जल्दी किसी को बाइट नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि सांप जो है ठंड में ये 3 महीना तक ये अंडा नहीं खाता है, चूहा चूहा नहीं खाता है, क्योंकि ठंड में ये सांप जल्दी कोई भी चीज का शिकार नहीं करता है। देख रहे हैं और ये बहुमत के नाम से जाता है, इसको अंदर जोर होता है दोस्तों, टैक्सी जोर होता है, खतरा महसूस सुने पे ही किसी को इनवाइट करता है दोस्तों। झाड़ फूक के चक्कर में नहीं दोस्तों, अगर ऐसा सांप काटेगा तो तुरंत डिस्ट्रिक्ट जाएगा, आपको जाना का है मुजफ्फरपुर तारा हॉस्पिटल चाहे सरकारी हॉस्पिटल, क्योंकि हर जितना भी सरकारी हॉस्पिटल होता है उसके अंदर इसका एंटीबी नंबर होता है। क्योंकि अपने बिहार में जैसे आदमी को क्या होता है कि सांप किसी को भी काटता है तो लोग उसके पास जानकारी नहीं रहता है, उसलिए झाड़ फूक के चक्कर में रहता है, उसका मृत्यु हो जाता है। झाड़ फूक करने से वही इंसान ठीक हो सकता है जिस सांप में जहर नहीं होता है। एक सांप और सांप जो होता है साकर जो दीवारों वाल पे चढ़ जाता है उसके अंदर पॉइजन नहीं होता, अगर वो सांप काटेगा तो आपको ओझा झाड़ के ठीक कर सकता है, क्योंकि उस सांप में जहर नहीं होता है। ढोरबा हो गया, धामिन हो गया, ऐसा सांप अगर आपको काटेगा तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि सांप में जहर नहीं होता दोस्तों। और ये सांप में जहर होता है दोस्तों, ये सांप अगर काट लेगा तो आधा से 45 मिनट जाते जाते इंसान को मृत्यु हो जाता है। अगर ये सांप अगर हाथी को भी काट लेगा तो ये हाथी को भी मारने का पावर रखता है दोस्तों, कहते हैं। और इसका खतरा महसूस होने पे किसी को इनवाइट करता है, जल्दी किसी को इनवाइट नहीं करता दोस्तों, देख सकते हैं। और इसी को नाक बोलते हैं दोस्तों और इसी को पेटार बोलते हैं दोस्तों, देख सकते हैं।
और इसको जैसे जब तक छेड़छाड़ नहीं करेंगे तब तक बाइट नहीं करेगा दोस्तों, देखते हैं। और देखने में इतना खूबसूरत होता है दोस्तों, उतना ही खतरनाक भी होता है दोस्तों, देखते हैं। और ऐसा वीडियो देख के ऐसा गलती नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि काम इस पट का है दोस्तों, खतरा इसी समय होता है दोस्तों, देख सकते हैं। और ये साफ देख सकते हैं, ये देख रहे अभी की जल्दी किसी को बाइट नहीं करता दोस्तों, देख रहे हैं। और इसको खतरा महसूस होने पे ही किसी को इनवाइट करता है, जल्दी किसी को इनवाइट नहीं करेगा उसको भी। चलो दोस्तों यहाँ पे डिपाच का दोस्तों एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग हम खतरों से खेलते हैं, सिखाते हैं।